ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही स्लैब गिरने की इतला थी, जिसके नीचे आदमी दबे होने की सूचना मिली थी। उस पर 11:10 पर सूचना मिली थी, 11:11 पर हमारा टर्न आउट हो गया और इस पर 4-5 गाड़ियाँ भेजी गई लक्ष्मीनगर से, वजीरपुर से, रूपनगर से, गोकुलपुरी से। तो उसमें 2 आदमी पहुँचते से पहले ही पुलिस और आम पब्लिक की मदद से बाहर निकाल लिए और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, और 2 को बाद में निकाला गया है जिनके चोट लगी है। और बाकी उनके चोट कितनी लगी है इसके लिए एक ऑफिसर को भेज रहे हैं, वो प्रॉपर डिटेल, उम्र, उनका एड्रेस, ये भी बाद में नोट करवाया जाएगा। ये पिंक लाइन है मेट्रो की। नहीं नहीं, काम करने वाले वो आम आदमी थे सर, दिल्ली फायर सर्विस। ये कॉल मिली थी कि गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का स्लैब नीचे गिर गया है और कुछ कैजुअल्टी, कुछ आदमी दबे हुए की तरह मिली थी। ये 11:10 पर, तो जिसमें 4 लोग निकाले गए हैं। तो फायर ब्रिगेड पहुंची थी, उससे पहले 2 आदमी पहले निकाल लिए थे, तो PCR को दिल्ली में हॉस्पिटल ले गई और 2 बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से निकाले हैं और उनको भी GTB हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अभी इनकी एक्चुअल क्या स्थिति है वो अभी डिटेल लेने जा रहे हैं, मैंने एक ऑफिसर को भेजा है। बाकी और JCB ने और सारा मलबा लगभग देख लिया, कुछ हिस्सा अभी डेंजरस पोजिशन में लटका हुआ है। शायद यहाँ की पब्लिक है, लेकिन हम लोग तो आम पब्लिक ही थी। मौके पे 5 गाड़ियाँ हैं हमारी, गोकुलपुरी से और इधर जा रही है।